दुनिया के कई देशों की ट्रेन अपने सफर के लिए जानी जाती है। कुछ आपको एक खूबसूरत यात्रा पर ले जाते हैं तो कुछ आपको सबसे डरावने अनुभव भी देते हैं। मोरिटानिया देश में एक ऐसी ट्रेन भी चल रही है जिसमें यात्रा करने के लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है। तो आज हम आपको ऐसी ट्रेन का सफर कराएंगे जो है तो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन, मगर उसमें ना तो आपको बैठने के लिए सीट मिलेगी और ना ही जाने के लिए वॉशरूम। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बिना मत जाइएगा। यह ट्रेन अफ्रीका देश में चलती है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। इसका नाम ट्रेन टू डेजर्ट है और यह 21 घंटे में 704 किलोमीटर का सफर तय करती है। सहारा रेगिस्तान से गुजरने वाली इस ट्रेन की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। 200 से अधिक डब्बों वाली इस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेन में यात्रियों के लिए एक कोच भी है, लेकिन इस ट्रेन में सफ़र करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ट्रेन में सफ़र करने के लिए लोगों को कच्चे लोहे को ही अपनी सीट बनानी पड़ती है, क्योंकि इस रेल में एक भी बैठने की सीट नहीं होती है। बिना पैसों के होता है सफ़र, परंतु इस रेल से सफ़र करने में लगने वाला समय 500 किलोमीटर की रोड यात्रा से कम है और लोगों को अपने स्टेशन तक पहुंचने के लिए अधिक लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता है। अक्सर लोग इस ट्रेन का इस्तेमाल अपने कार्यस्थल तक पहुँचने या दूर रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने के लिए करते हैं। किस तरीके से करते हैं लोग इस ट्रेन में सफ़र, आइए उस वीडियो को भी हम आपको दिखा देते हैं। पर